बहुत मुश्किल से दशों दशकों तक किए गए लोगों के प्रयास देश जाति के बंधन से मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों की इस मेहनत पर कुछ समाज विरोधी लोगों ने अपनी नजर टिका दी है। ये लोग फिर से देश को जाति के नाम पर बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आज की युवा पीढ़ी, मैं मानता हूं कि उनको जवाब दे के रहेगी और जवाब दे रही है। भारत का नौजवान कुछ मुट्ठी भर लोगों के बहकावे में नहीं आने वाला है। देश में जातिवाद, कुरीतियां, अंधविश्वास खत्म करने का संकल्प लेने वाले ऐसे नौजवान न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए, संकल्प लेने वाले ऐसे नौजवान ही सच्चे अर्थ में विवेकानंद के विचार के दूत है। वे भारत के नए विक्रमी, पराक्रमी, विकासमान चेहरे का जीता जागता सबूत है। ऐसा हर नौजवान जो राष्ट्र निर्माण में प्रोएक्टिव होकर अपनी ड्यूटी निभा रहा है, न्यू इंडिया के संकल्प को सिद्ध करने के लिए काम कर रहा है, वो विवेकानंद का सच्चा भक्त नहीं है तो क्या है? किसी खेत में, किसी कारखाने में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, गली मोहल्ले नुक्कड़ में देश की सेवा में जुटा हुआ हर व्यक्ति आधुनिक विवेकानंद के रूप में एक मिनिएचर फॉर्म, एक छोटा सा रूप ही तो है जो इस भारत को, इस समय स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ा रहा है। गांव गांव ला जाकर लोगों को डिजिटल साक्षरता का प्रदान कर रहा है। और वही तो विवेकानंद जी के सपनों के लिए जी रहा है जो दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए काम कर रहा है। वही तो विवेकानंद के आदर्शों को आज के युग में जी रहा है। वो अपनी एनर्जी को, अपने आइडियाज को, अपने इनोवेशंस को समाज के हित में लगा रहा है। वही तो विवेकानंद के आधुनिक भारत के सपने को पूर्ण करने वाला एक सिपाही है। साथियों, पिछले वर्ष एक कार्यक्रम हुआ था, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। इस कार्यक्रम में 40,000 से ज्यादा युवा देश की लगभग 600 समस्याओं के डिजिटल समाधान के लिए जुटे थे। मैं समझता हूं ये प्रयास भी तो विवेकानंद की प्रेरणा के बिना कहां संभव हो सकता है। लाखों करोड़ों साधारण से लोग भारत की मिट्टी की, इसी मिट्टी की सुगंध लिए न्यू इंडिया के निर्माता और वही स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को सिद्ध करने वाले सच्चे सिपाही बन जाते हैं। इन्हें मैं प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में मौजूद विवेकानंद का रूप धारण किए हुए और जिन्होंने विवेकानंद का रूप धारण नहीं किया है लेकिन यहां बैठे हुए हर किसी के मन मंदिर में जहां विवेकानंद जी मौजूद है, ऐसे हर जिन जिन के हृदय में विवेकानंद जी विराजमान है, उन सबको भी मैं नमन करता हूं।